हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जे आर। अब सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या हाल चाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम करने वाले हैं हायर एजुकेशन के कमीशन एंड कमिटीज़ हैं आज़ादी के बाद, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन एंड कमिटीज़ हैं, उनको हम कवर करेंगे। और आपकी पॉपुलर डिमांड थी कि सर कुछ क्वेश्चन भी आप करवा दीजिए इससे रिलेटेड, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको भी साथ में कवर करेंगे, ठीक है? तो अभी हम करने वाले हैं दोस्तों आज़ादी के बाद, ठीक है? आज़ादी के बाद की जितने भी आपके कमीशन एंड कमिटीज हैं, कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर ही लिया था, आज़ादी के बाद के जो कमीशंस एंड कमिटीज हैं इनको हम कवर करेंगे। साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट PYQs हैं, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस MCQs हैं, वो भी हम करेंगे। और ये हमारा पार्ट 3 है, याद रखिएगा। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, अभी हम पार्ट 3 है उसको कवर करने वाले हैं। तो शुरू करें, सब लोग आ चुके हैं क्लास में, एक बार थम्स अप करके बता दो कि सब लोग क्लास में आ चुके हैं, और अपनी अपनी प्रेजेंट भी आप सब लोग लगा दीजिए जल्दी से, और ऑडियो वीडियो सबका क्लियर है ये भी एक बार चेक कर लो आप सब लोग। चलिए तो शुरू करते हैं, बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो देखो GRF अड्डा ऐप के बारे में, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए, और ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द UGC नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन। और अगर आपने वेबसाइट को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो GRF अड्डा की वेबसाइट को भी आप सब लोग फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन सारे के सारे, आपको जो अपडेट्स हैं, क्यूजेस हैं, PDF है, वो सब आपको यहां से मिलते रहेंगे, ठीक है? नाउ एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिए, ये थोड़ा सा स्लाइड है, ये हमारी दूसरी वाली लग चुकी है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। जस्ट वेट। हाँ, तो वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं GRF अड्डा की, और टेलीग्राम अगर चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है GRF अड्डा का, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, अगर आप Paper 1 और Paper 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो अर्ली बर्ड बैच से आप जुड़ सकते हैं। अर्ली बर्ड बैच में आपको कंप्लीट Paper 1 प्लस Paper 2 आपको करवाया जाएगा, जहां पे वीडियो कोर्सेज, PDF फाइल ये सब आपको मिलेंगे। ये सारे के सारे Paper 2 हैं जो आपके लिए अवेलेबल है, और Paper 2 मैं आपको पढ़ाता हूं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के स्टूडेंट आप यहां से जुड़ सकते हैं। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो तो हमें स्टार्ट करना है दोस्तों राधा कृष्ण कमीशन से। कल हम राधा कृष्ण कमीशन तक कवर कर चुके थे, और अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब राधा कृष्ण कमीशन से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है? आजादी के बाद ये आपका पहला कमीशन आता है, ठीक है? आजादी के बाद अगर हम कमीशंस और कमिटीज की बात करें तो ये हमारा पहला कमीशन आता है आजादी के बाद, जिसको राधा कृष्ण कमीशन बोलते हैं, या जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। डेट याद रखना, कई बार क्या होता है कि आपको सीक्वेंस के लिए भी आपका क्वेश्चन आता है। चेयरमैन तो आप पता कर ही लेंगे, क्योंकि इसके नाम से ही इनके चेयरमैन हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है? नवंबर 1948 को ये कमीशन है जो आता है, इसका आप जरूर याद रखिएगा। इसकी मेन रिकमेंडेशन की मैं बात करूं, तो यहां पे आप देखेंगे कि सबसे पहले तो देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको हायर स्टडीज करनी है, यानी कि अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना है, तो सबसे पहले तो आपको 12 ईयर की प्री यूनिवर्सिटी स्टडीज हैं उनको कवर करना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्री यूनिवर्सिटी स्टडीज को कवर करना पड़ेगा। वही सेडलर कमीशन वाली बात है, जो आपका 10+2+3 वाला स्ट्रक्चर था, इसमें बोला गया था कि आपको यूनिवर्सिटी में आने से पहले 10+2 आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसे इन्होंने बोला कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो 12 ईयर की एजुकेशन है जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, यह सवाल कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि हायर एजुकेशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है दोस्तों जनरल एजुकेशन, दूसरा है
आपका गवर्नमेंट एजुकेशन और तीसरा है वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, तो ये तीन मेन उद्देश्य हैं। ठीक है, हिंदी में भी आप देख लीजिए। ठीक है, तीन मेन इसके क्या हैं, उद्देश्य हैं आपके। जस्ट वेट, यस, सामान्य शिक्षा, सरकारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, थ्री मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां से आपको याद रखना है कि राधा कृष्ण आयोग है, इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। ठीक है, तो यूजीसी की जो रिकमेंडेशन है, यूजीसी की स्थापना की जो रिकमेंडेशन है, वो राधा कृष्ण कमीशन के द्वारा ही दी गई थी। ठीक है, ये चीज आपको जरूर याद रखनी। और इसने क्या बोला, स्नातक यानी कि यूजी की पढ़ाई है उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, 3 वर्ष। इसलिए मैंने आपको बोला था कि 10+2+3 वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये सेम यही बात कर रहा है कि 12 साल की तो आपकी प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, ठीक है, और 3 साल की आपकी क्या हो, यूनिवर्सिटी यानी कि यूजी की एजुकेशन हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यही इसकी मेन पॉइंट है। एक दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो है आपका रूरल यूनिवर्सिटीज। तो इसको भी आप सब लोग याद रखिएगा, रूरल यूनिवर्सिटीज की बात राधा कृष्ण कमीशन ने की थी, ग्रामीण विश्वविद्यालय। ठीक है, ग्रामीण विश्वविद्यालय, अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात कौन से कमीशन और कमिटीज ने की थी, तो आपका राधा कृष्ण आयोग ने। एक चीज और याद रखना दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि इसने बोला कि जो हायर एजुकेशन है, जो हमारी उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन का जो माध्यम है यानी कि मीडियम है, वो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में हमारी हायर एजुकेशन की पढ़ाई होनी चाहिए, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है इसमें। ठीक है एवरीवन, चलिए तो इतनी बात आपको राधा कृष्ण कमीशन के बारे में याद रखनी है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो आपका कमीशन आता है वो आपका आता है मुडलियार आयोग। ठीक है, मुडलियार आयोग, और मुडलियार आयोग को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो आपसे कोई पूछे कि मुडलियार आयोग क्या है, तो ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ही आपका क्या है, मुडलियार आयोग है दोस्तों। इसके जो चेयरमैन रहे हैं वो कौन रहे हैं, चेयरमैन कौन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी स्वामी मुडलियार, नोट, ठीक है, लक्ष्मी स्वामी मुडलियार हैं, वो इसको चेयरमैन है। डेट याद रखना 23 सितंबर 1952 को ये आपका कमीशन है जो आता है। देखो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी कि इसने सेकेंडरी एजुकेशन की बात की थी। किसकी बात की थी, सेकेंडरी एजुकेशन की इसने बात की थी। तो एक पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुडलियार आयोग है, उसने माध्यमिक शिक्षा की बात की थी, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन की बात की थी, इसका नाम ही सेकेंडरी एजुकेशन है, पहली चीज। ठीक है, एक तो देखो इसने माध्यमिक शिक्षा की बात की, ओके ना, अब देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। एक इसने बोला कि वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू परीक्षा पद्धति को अपनाया जाए, जैसे आपका एनटी का जो एग्जाम होता है वो एमसीक्यू एग्जाम ही होता है, तो एमसीक्यू पद्धति को अपनाया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पाठ्यक्रम में एक कोर विषय अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि। ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो माध्यमिक शिक्षा है कि स्तर की शिक्षा है, उसमें एक कोर विषय अनिवार्य रहे। जैसे आपने 10th के एग्जाम दिए हैं और 10th के एग्जाम के बाद हमें सब्जेक्ट लेना होता था, जैसे हम साइंस ले लेते थे, कुछ लोग ह्यूमैनिटीज ले लेते थे, कुछ लोग कॉमर्स लेते थे, कुछ बायो लेते थे, ऐसे आपने भी ली होगी ना सबने, वो आपका कोर सब्जेक्ट है। वो रिकमेंडेशन किसने दी थी, मुडलियार आयोग ने दी थी। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, जैसे हम 10th के बाद में, ठीक है, जैसे आपका 10th होता है,
तो टेंथ के बाद में अक्सर हम अपना सब्जेक्ट है उसको चूज करते हैं, ठीक है। टेंथ के बाद चूज करते हैं ना, टेंथ के बाद जैसे आपने साइंस लिया होगा किसी ना, ठीक है, किसी ने सोशल साइंस लिया होगा, ठीक है, सोशल साइंस लिया होगा, किसी ने मैथमेटिक्स अपना सब्जेक्ट लिया होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और याद रखनी है यहां से आपको कि बारहवीं को विश्वविद्यालय से जोड़ दिया जाए तथा बहुउद्देश्य विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश किए जाए। अब देखो यहां से जो सवाल आएगा वो क्या आएगा कि मल्टीपर्पज स्कूल की बात किस कमीशन ने की थी। तो मल्टीपर्पज स्कूल की बात है वो मुडलियार आयोग ने की थी, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपर्पज स्कूल की बात किसने की थी, मुडलियार आयोग ने, मल्टीपर्पज स्कूल, मल्टीपर्पज स्कूल की बात कौन करता है, आपका मुडलियार आयोग है जो मल्टीपर्पज स्कूल की बात करता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ अब इसके बाद में दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप नोट डाउन कर लीजिए, यहां से आपका एक सवाल बनता है जो वुमेन एजुकेशन कमीशन है उससे एक सवाल आपका बनेगा। तो जितनी भी वुमेन एजुकेशन कमीशन है वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, मैं एक बार नोट डाउन आपको करवा देता हूं, ठीक है। वुमेन एजुकेशन कमीशंस एंड कमिटीज, देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है आपका 1958 में नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन आता है, क्या आता है ये वाला, ठीक है, नेशनल वुमेन एजुकेशन कमेटी, ठीक है, याद रखना। और जिसकी चेयरमैन थी आपकी दुर्गाबाई देशमुख, और इसको हम क्या बोलते हैं, देशमुख समिति भी बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि देशमुख समिति किससे रिलेटेड है, तो आप क्या बताएंगे कि सर वुमेन एजुकेशन से, यानी कि महिला शिक्षा से रिलेटेड है आपकी देशमुख कमेटी, ठीक है, किससे रिलेटेड है, महिला शिक्षा से। तो देशमुख कमेटी किससे रिलेटेड है, महिला शिक्षा से रिलेटेड है आपकी देशमुख समिति, और इसकी जो चेयरमैन थी वो थी दुर्गाबाई देशमुख। चेयरमैन कौन थी, दुर्गाबाई देशमुख, कौन है, दुर्गाबाई देशमुख इसकी चेयरमैन है दोस्तों। अब एक सवाल पूछा गया था सीधा, यही आपको यही स्टेटमेंट उठा के दिया था एग्जाम में पीवाईक्यू में, ठीक है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बालक और बालिकाओं की शिक्षा में समांतर लाने को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की अनुशंसा की, माध्यमिक स्तर पर सह शिक्षा की अनुशंसा की, ठीक है, यानी कि को एजुकेशन इज रिकमेंडेड एट द सेकेंडरी लेवल, यानी कि को एजुकेशनल स्कूल का मतलब क्या होता है, जहां बॉयज और गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं, है ना। तो इसने बोला कि भाई सेकेंडरी स्कूल की जो एजुकेशन हो उसमें गर्ल्स एंड बॉयज एक साथ पढ़े, ये रिकमेंडेशन किसने दी थी, देशमुख समिति, यानी कि दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है। देखो आप तो सिंपल सा ये याद रख लेना कि जो नेशनल वुमेन एजुकेशन कमेटी है उसकी चेयरमैन कौन थी, तो दुर्गाबाई देशमुख, इसको देशमुख समिति बोलते हैं, ईयर याद रखना 1958। अब इसके अलावा भी कुछ आपकी और कमीशन एंड कमिटीज हैं, उनको एक बार मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक तो देखो आपकी दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, जिसको हम देशमुख समिति भी बोलते हैं, 1958 में आती है, याद रखना, भूलना नहीं है किसी को भी। एक दोस्तों आपकी कमेटी है जो आपकी 2022 का पीवाईक्यू था, ये 2022 का पीवाईक्यू था, हंसा मेहता समिति, हंसा मेहता समिति, सीधा सवाल पूछा गया था हंसा मेहता समिति से, तो हंसा मेहता समिति है, ये भी वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड है। एक दोस्तों आपका है भक्त वसलम समिति, भक्त वत्सलम, भक्त वसलम समिति, ठीक है, ये भी आपकी किससे रिलेटेड है, वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये तीन समिति के नाम आपको याद रखना है, देशमुख समिति, हंसा मेहता समिति और भक्त वसलम कमेटी, ये सारे के सारे वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड हैं, कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है,
ठीक है, और ये कब आती है 1962 में, और ये कब आती है 1963 में। इतनी बात सबको समझ में आई, इतनी बात सबको समझ में आई तो एक बार बता दो कि सर इतना तो हमें क्लियर है, जल्दी से। चलें आगे, चलिए अब आते हैं आपके कोठारी बाबा, ठीक है, कोठारी आयोग। देखो कई बार आपसे कोठारी आयोग ना देके नेशनल एजुकेशन कमीशन भी दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत करना, नेशनल एजुकेशन कमीशन और कोठारी आयोग दोनों एक ही हैं दोस्तों, ठीक है। नेशनल एजुकेशन कमीशन एंड कोठारी आयोग आपके क्या हैं, सेम ही हैं। नाउ इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, दौलत सिंह कोठारी, जो कि उस टाइम के यूजीसी के चेयरमैन भी थे, दौलत सिंह कोठारी 1964, ठीक है। नाउ 1964 में ये कमीशन आता है और यहां पर दोस्तों बहुत सारी रिकमेंडेशन है जो की गई थी, शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव है यहाँ पे किया गया था, और इसी की सिफारिश के आधार पर हमारी पहली शिक्षा नीति यानी देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आती है वो पहली इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे आपकी आई थी दोस्तों, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सार्वजनिक शिक्षा की सामूहिक विद्यालय प्रणाली हो, ठीक है, इसने बोला जहाँ सभी बच्चे एक साथ पढ़े, पहली चीज। दूसरा बोला सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए। एक सवाल यहीं से बनता है कि साइंस एजुकेशन की बात और गणित की बात किसने की थी, तो कोठारी कमीशन ने की थी। दूसरी चीज माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं को शिक्षण में प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, ये इसने बोला। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं, ठीक है, कोठारी बाबा की क्या क्या आपकी रिकमेंडेशन थी, ठीक है। कोठारी आयोग, टाइम पीरियड इसका 1964 से 1966, ठीक है, 1966। अभी जो कोठारी कमीशन था दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इसी के बेस पे आपकी फर्स्ट एनईपी है जो आती है 1968, इसी की बेस पे आती है, पहली चीज आपको यह याद रखनी है। दूसरा दोस्तों इसमें याद रखना है कि इसने एक तो साइंस एंड रिसर्च की भी बात की थी, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है ना, मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूं शॉर्ट में, आप समझ जाना इसको। दूसरी चीज इसने बोला थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया, इसने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है वो इसके द्वारा दिया गया, ठीक है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इसके द्वारा दिया गया, जिसमें आपकी एक मदर टंग होगी, ठीक है, मातृभाषा होगी, एक आपकी हिंदी होगी और एक आपकी इंग्लिश होगी, ठीक है। ये तीन लैंग्वेज फॉर्मूला किसने दिया, कोठारी आयोग के द्वारा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है जो आपका दिया गया। इसके अलावा कोठारी आयोग ने क्या बोला था, इसके अलावा कोठारी आयोग ने बोला आपका 10+2+3 वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका शिक्षा का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। एक ये इन्होंने बोला, एक ये इन्होंने बोला कि 6% ऑफ जीडीपी हमें शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, शिक्षा पर खर्च की बात इन्होंने की, तो ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से, ठीक है एवरीवन। चलिए नेक्स्ट, अब आता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ताराकुंडे समिति, ठीक है, ताराकुंडे समिति है, इसने बोला कि भाई शिक्षा सभी के लिए, इसकी टैगलाइन ही आप मान सकते हो ताराकुंडे समिति। तो ताराकुंडे समिति है वो आपके किससे रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है, ये भी चीज आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। नाउ
आता कब है दोस्तों ताराकुंडे समिति 1978 में, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वीएस ताराकुंडे, कौन होते हैं, वीएस ताराकुंडे हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं। इस समिति ने चरित्र निर्माण तथा संवर्धन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक मूल्य विकास आदि को शारीरिक श्रम और शिक्षा के द्वारा विकसित करने का सुझाव दिया था। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, है ना। आया समझ में आपको, यानी किसने बोला कि जो स्टूडेंट है उसमें हमें जो साइंटिफिक टेंपर है उसको विकसित करना है, जो उसमें जो मूल्य शिक्षा है वो उनको देनी है, है ना। और ये कैसे होगा, हमें ये बेसिकली आपका मैनुअल लेबर और एजुकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। यानी आप किसी को मूल्य कब दे सकते हो, थ्रू जा एजुकेशन, ठीक है। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकते हैं, साइंटिफिक टेंपर कैसे विकसित कर सकते हैं, थ्रू द मैनुअल लेबर एंड एजुकेशन। ये इसकी सिफारिश थी, सिंपल सा याद रखना है। दो चीज कीवर्ड्स हैं इसमें, एक तो देखो साइंटिफिक टेंपर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्लस वैल्यू एजुकेशन, ठीक है, मूल्य। तो ये किसने बोला, ताराकुंडे समिति के द्वारा बोला। नेक्स्ट आचार्य रामामूर्ति समिति, ठीक है। आचार्य रामामूर्ति समिति दोस्तों कल भी हमने बात की थी, आचार्य रामामूर्ति समिति 1990 में आती है। और ये बेसिकली आती क्यों है आचार्य रामामूर्ति समिति, आचार्य रामामूर्ति समिति इसलिए आती है क्योंकि हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में, जिसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे, उसमें कुछ खामियां थी, तो उसको रिव्यू करने के लिए आपकी आचार्य रामामूर्ति समिति है वो आपकी आई थी दोस्तों। तो इसको जरूर याद रखना है, आचार्य रामामूर्ति समिति क्यों आई थी, 1986 की जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति थी उसकी समीक्षा करने के लिए आचार्य रामामूर्ति समिति आई थी। और इन्होंने फिर एक सजेशन दिया था जिसको हम बोलते हैं POE, यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अब ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब आता है, ये आपका आता है 1992 में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन POE कब आता है, 1992 में। ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन किसकी सिफारिश पे आया था, ये बेसिकली आचार्य रामामूर्ति समिति की सिफारिश पे ही आपका आता है। उसके बाद में दोस्तों इंपोर्टेंट आपकी जो कमेटी आती है वो है आपकी यशपाल कमेटी, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। और 15 जुलाई 1993 को आपकी यशपाल समिति आती है दोस्तों, ठीक है। और याद रखना एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये विद्यालय शिक्षा के लिए थी, किसके लिए थी, स्कूल एजुकेशन में, ठीक है। और ये बेसिकली इसलिए थी कि बच्चों जो स्कूल होते हैं उसमें बहुत ज्यादा उनका बैग है वो भारी होता है, है ना। तो इसकी टैगलाइन ही थी एजुकेशन विदाउट बर्डन, इसकी टैगलाइन थी आपकी एजुकेशन विदाउट बर्डन। तो आपसे टैगलाइन भी पूछी जाती है कई बार एग्जाम में ये वाली, ठीक है। तो एजुकेशन विदाउट बर्डन है ये टैगलाइन किसकी थी, ये यशपाल समिति की थी, ठीक है। यशपाल समिति दो आती है, एक 2008 में भी आएंगी, वो होगी हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन ये थी आपकी स्कूली शिक्षा के लिए। तो इतनी चीज हमें याद रखनी है सबको, ठीक है एवरीवन। चलिए नेक्स्ट, अब दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है दोस्तों ये आता है आपका 2015 में, कब आता है 2005 में। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे सैम पित्रोदा, कौन थे, सैम पित्रोदा थे जो इसके क्या थे, चेयरमैन थे आपको। तो इसको हमें याद रखना है। इसमें बेसिकली क्या बोला था कि इसने बोला कि शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता तथा ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना की सिफारिश की गई। यानी एक तो देखो इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की, ठीक है, एक इन्होंने ज्ञान आधारित शिक्षा की बात की, रट्टाफिकेशन से दूर जाने की बात की। इसमें जो सवाल आपसे पूछे गए हैं मैं आपको बताता हूं, जो नेशनल नॉलेज कमीशन है, ठीक है, NKC 2005 में आपका आता है, ठीक है, सैम पित्रोदा इसके चेयरमैन थे, ठीक है, इसलिए इसको पित्रोदा कमेटी भी बोलते हैं। इसने देखो बोला कि हमें 50 न्यू नेशनल यूनिवर्सिटीज खोलनी है, न्यू नेशनल यूनिवर्सिटीज खोलनी है। यही सवाल आपसे कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये
ये फैक्ट है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको जरूर याद रख लेना सब लोग, ठीक है? ठीक है, चलें आगे। चलिए उसके बाद में दोस्तों, अब आपका एक लेटेस्ट वाला ही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की समिति बनती है 2017 में दोस्तों, ठीक है? इसको हम डिटेल से नई शिक्षा नीति के साथ में पढ़ेंगे, इसको हम नई शिक्षा नीति के साथ में डिटेल से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है? कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी और चीजें क्लियर हो, है ना? कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ठीक है, जो टॉप एमसीक्यूज हैं उनको हम कवर करते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा, इतनी बात तो सबको समझ में आई जितना मैंने आपको बताया, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी को भी, इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए जितना मैंने आपको बताया, है ना? अब आपके मन में काफी सवाल है कि सर ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, है ना? तो वो सारी चीजें भी हम करेंगे, है ना? क्योंकि एक साथ सारी चीजें हो नहीं सकती हैं, जो पिछली बार आपकी कमीशन एंड कमिटीज पूछी गई थी उनको भी मैं आपको करवा दूंगा अच्छे से, डोंट वरी, टेंशन मत कीजिए, ठीक है? नाउ, ठीक है, इस चार्ट को देखो एक बार, थोड़ा सा पुराने जमाने की बात याद करो जो हमने कल की थी, जिससे कि आपको पूरा का पूरा एक बार रिविजन हो जाए, ठीक है, कि मेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ठीक है, ब्रिटिश काल में मेन मेन शिक्षा का विकास कैसे होता है, तो मेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अब देखो यहां पे, कल हमने बात की थी कि शुरुआत कहां से होती है आपकी, चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट के बाद में आपकी मैकोले की मिनट्स आती हैं 1835 में, उसके बाद वुड्स का डिस्पैच आता है 1854 में, फिर आपका आता है दोस्तों हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 से 1883 के बीच में, फिर आपका आता है सार्जन प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 में, और फिर आता है आपका वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 में, और हाटो कमिटी आती है 1929 में, फिर आता है दोस्तों आपका सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1977 to 1999, फिर आपका आता है, बीच में हमने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट छोड़ दिया, ये आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, ठीक है? तो ये आपके क्या है, मेन मेन डेवलपमेंट है जो कि ब्रिटिश के टाइम पे हुए थे, ये हमने कवर कर लिया था कल की क्लास में, ठीक है? नाउ चलिए, और ये हमने आज कवर किया है स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास, तो ये आपको क्लियर हो ही गया होगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, राधाकृष्ण आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन अंडर डीएस कोठारी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE, फिर आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, फिर आपका सुब्रमण्यम कमेटी आती है, देन आपका के कस्तूरी रंगन कमेटी आती है। तो ये आज हमने किया था कि आजादी के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद क्या डेवलपमेंट होता है, ये आपका जो डेवलपमेंट था ये ब्रिटिश टाइम पे था, ठीक है? नाउ अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, यस, चलिए, सो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएं सब लोग, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन, फटाफट से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, आंसर कीजिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 1949, कोठारी, राधाकृष्ण, सरकार और त्रिगुण सेन, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर,
ठीक है, तो सिंपल सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण आयोग, ठीक है, इसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना, और इसको हम राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं, राधा कृष्णा आयोग, ठीक है, तो इस चीज को हमें पता होना चाहिए। नाउ ये सारी की सारी रिकमेंडेशन आपकी राधा कृष्ण आयोग की थी, ये मैंने आपको बताई दी थी, 1948-49 में आता है, ठीक है, इसको राधा कृष्ण आयोग भी बोलते हैं क्योंकि इसके चेयरमैन राधा कृष्ण जी थे। फर्स्ट अटेम्प्ट था आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहला कमीशन था, ठीक है, यूजीसी की रिकमेंडेशन इसने की, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 12 ईयर ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन की इसने बात की, इंटरमीडिएट कॉलेज की इन्होंने बात की, इंग्लिश एज ए मीडियम होना चाहिए हायर एजुकेशन में, ये इन्होंने बात की। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपकी राधा कृष्ण कमीशन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तो हम बाद में करेंगे। यस, ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन एंड कमिटीज इन देयर रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च शुड रिसीव हाई प्रायोरिटी टू एक्सेलरेटेड द नेशनल इकोनॉमी, 1, 2, 3 एंड 4, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन एंड कमिटीज इन देयर रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च शुड रिसीव हाई प्रायोरिटी टू एक्सेलरेट देयर नेशनल इकोनॉमी। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है, कि साइंस और रिसर्च की बात किस कमीशन में की गई थी, ये देखो सवाल आपसे पूछ लिया है। यार आप पीडीएफ की चिंता मत करो, क्योंकि पीडीएफ की चिंता करोगे तो फिर ये समझ नहीं आएगा, बस समझना है आपको, पीडीएफ से क्या करोगे, है ना, आप ऐसे तो है नहीं कि चिट बना के लेके जाओगे एग्जाम में, वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो समझ लो, चीजों को याद कर लो, यहीं पे हो जाएंगी, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जहां पे मिलता है वहीं पे, ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका, हमने बात की थी अभी दोस्तों कोठारी, ठीक है, कोठारी आयोग की हमने बात की थी। तो कोठारी आयोग बोलता है दोस्तों आपका, एक तो साइंस प्लस रिसर्च को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विज्ञान और शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, Which of the following commission recommended setting up UGC and is also known as the University Education Commission? इनमें से कौन सा आयोग है जिसने UGC की स्थापना की सिफारिश की? PDF से फोन में पता चलता है कि कितना पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ये लॉजिक कहां से आया कि जिसके फोन में PDF होंगे उससे ये पता लगेगा कि वो कितना पढ़ने वाला है, ये तो पहली बार ही सुना है। ये थ्योरी किसने दी है, किसने प्रपंड की है कि जिसके फोन में पीडीएफ होंगे वही पढ़ने वाला होगा, मतलब नोट्स की दुकान खोलने से सिलेक्शन नहीं होता यार, है ना, सिलेक्शन उसका होता है जो चीजों को समझता है और एग्जाम टाइम पे उसको अप्लाई करता है, सिलेक्शन उसका होता है, नोट्स करते करने से सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आप सबको पता होगा, राधा कृष्ण जी, ठीक है, राधा कृष्ण। अच्छा, एक कंफ्यूजन अक्सर लोगों में रहता है यूजीसी के चेयरमैन को लेकर, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे, पहले चेयरमैन कौन थे, बताओ जल्दी से मुझे, आप पहले का नाम बताओ, दूसरे का नाम बताओ और पांचवे का नाम बताओ जल्दी से, फटाफट से। यूजीसी के पहले चेयरमैन,
जल्दी से बताओ, यूजीसी के पहले चेयरमैन और पांचवें चेयरमैन, चलो पांचवें मत, मुझे सिंपल सा ये बताओ कि 1956 में कौन चेयरमैन थे? 1956 में यूजीसी के 1956 में चेयरमैन कौन थे ये बताओ। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट का, मैं आज क्लियर करता हूं आपको। अगर पहले की बात करें तो एसएस भटनागर, जिसको हम बोलते हैं शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर, एसएस भटनागर, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो हुमायूं कबीर, और 1956 में जो चेयरमैन बने थे वो सीडी देशमुख। ठीक है, अब कई बार स्टूडेंट ये बोलते हैं कि 19 ये जो सीडी देशमुख है ये पहले चेयरमैन थे, ये पहले चेयरमैन आफ्टर स्ट्रेचरी बॉडी बनने के बाद बनते हैं दोस्तों, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये पहले नहीं थे, सर्वविधिक निकाय बनने के बारे में, निकाय बनने के बाद ये फर्स्ट थे। ठीक है, स्ट्रेचरी बॉडी बनने के बाद 1956 में सीडी देशमुख बने थे। वैसे पहले की हम बात करें 1953 में आपके कौन थे, एसएस भटनागर, और 1954 में आपके जो बनते हैं उसके बाद के जो चेयरमैन बनते हैं, सॉरी उसके बाद के जो चेयरमैन बनते हैं वो हुमायूं कबीर बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए सबको, क्लियर। अच्छा, और प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है यूजीसी के, वर्तमान चेयरमैन कौन है यूजीसी के, है ना, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूजीसी, जल्दी बताओ फटाफट से आंसर कीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सब लोग वर्तमान चेयरमैन कौन है यूजीसी के, जगदीश कुमार, ठीक है, एम जगदीश कुमार, सबको पता होगा, इसमें तो गलत मत कर देना यार, है ना। अच्छा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है भारत के, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, भारत के शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है बताओ, शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। ठीक है, याद रखना सब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन्स रिपोर्ट इज टाइटल एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, विच ऑफ द कमीशन रिपोर्ट इज टाइटल एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी आपका पीवाईक्यू है, ये भी आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, इसका आंसर कीजिए सब लोग। Which of the following commission's report is titled as Education and National Development Report? राधा कृष्ण कमीशन है, कुठारी कमीशन है, मुडलियार कमीशन रिपोर्ट है, या नन ऑफ द अबव, जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, राधा कृष्ण कमीशन, कुठारी कमीशन, मुडलियार कमीशन रिपोर्ट, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो सही आंसर है वो है आपका कुठारी कमीशन। सीधा सवाल पूछा है आपसे, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट टाइटल कौन सी कमीशन का था, तो कोठारी कमीशन का था। ठीक है, ये है कोठारी बाबा, ठीक है, और इनकी रिपोर्ट कमीशन जो आया था उसका जो टाइटल है वो है आपका एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो याद रख लेना सब लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
द कमिटी सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विच रिकमेंडेड ऑटोनोमी ऑफ आईआईटी वाज हेडेड बाय प्रोफेसर अनिल काकोडर, सैम पित्रोदा, प्रोफेसर यशपाल या नन ऑफ द अबव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आपका। द कमिटी सेटअप बाई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट विच रिकमेंडेड ऑटोनोमी ऑफ आईआईटी वाज हेडेड बाई प्रोफेसर अनिल काकोडर, सैम पित्रोदा, प्रोफेसर यशपाल या नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। सही आंसर, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका प्रोफेसर अनिल काकोडर। ठीक है, इन्होंने आईआईटी की ऑटोनॉमी की बात की थी, तो ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, प्रोफेसर अनिल काकोडर कमेटी 2009 में आती है, इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, इसने ये बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए आई थी और इन्होंने ये बोला था कि 2% बजट है वो हमें सिर्फ और सिर्फ शोध पे खर्च करना चाहिए। ठीक है, 2% जो बजट है वो हमें, मतलब जीडीपी का 2% हमें शोध पर खर्च करना चाहिए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप सब लोग एक बार थम्स अप करके बता दो कि सर समझ में आया है। कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको एज यूजुअल कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने आज क्या 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 पढ़ा। समरी आप मुझे बताएंगे, जो भी कमीशंस एंड कमिटीज आपने पढ़े थे उसकी समरी एक बार आप मुझे सब लोग बता दीजिए कि क्या क्या आज आपने पढ़ा है, क्या क्या आज आपकी लर्निंग हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपना रिव्यू जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं। कल हम एनवायरमेंट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कल जो क्लास होगी 10 बजे है ना, उसमें हम पर्यावरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, कल 10 बजे, तो कल मिलेंगे अपन 10 बजे। आज के लिए दोस्तों सर टेलीग्राम चैनल नेम नेट जीआरएफ विद शिव। ठीक है, और आप जीआरएफ अड्डा का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए जी, तो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।